व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ एके फैब बैक इन ए न्यू वीडियो। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी की तरफ से आ रही एक बैड न्यूज़ के बारे में, जो कि प्लेस्टेशन 5 के रीस्टॉक की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप जानते हैं प्लेस्टेशन 5 आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ही। आप ऑनलाइन भी जाके चेक करते हैं या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स को भी जाके हायर करते हैं, और इंडिया में लॉन्च के बाद से ही वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पे प्लेस्टेशन ने कहते हुए कहा है कि हम फुलफिल नीड नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे फिर भी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं और नेगेटिव कमेंट्स उनको दे रहे हैं कि आप क्यों इतना बैड सिस्टम है आपका रीस्टॉकिंग का और आप कंसोल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू द नीड। तो यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स को रखेंगे और पता करेंगे कि प्लेस्टेशन आखिर क्यों नहीं क्वांटिटी में ज़्यादा बन रहा है और उसकी रीस्टॉकिंग क्यों नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंसोल की रीस्टॉकिंग की प्रॉब्लम कब से आ रही है और ये इशू कब से चालू हुआ है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जैसे ही कंसोल लॉन्च हुआ था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, पूरे वर्ल्ड में जैसे ही लॉन्च हुआ था 2020 नवंबर में, तो यहाँ पे कंसोल वैसे ही फ्यू मिनट्स के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक चला गया था पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे मिनट्स में ही सोल्ड आउट हो गया था, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेट हो गए थे गेमिंग फैंस, और यहाँ पे उन्हें कंसोल नहीं मिल रहा है उसके बाद भी। और जब फाइनली इंडिया में भी प्लेस्टेशन 5 की लॉन्च डेट आ गई, तो यहाँ पे भी वही सेम सीन हुआ, और यहाँ पे फ्यू मिनट्स क्या फ्यू सेकंड्स में ही कंसोल आउट ऑफ स्टॉक चला गया, और उसके बाद रीस्टॉकिंग की कोई अपडेट नहीं आ रही थी। और यहाँ पे यूके में तो प्लेस्टेशन 5 की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है, और बहुत से नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं कंसोल के बारे में, पर यहाँ पे सोनी भी उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा है। और यहाँ पे एक फ़ैन ने लिखा है कि सोनी ने बहुत बैड प्लानिंग करी है प्लेस्टेशन 5 के लॉन्च की, और उसके स्टॉक बैक कब होंगे ये भी उन्हें नहीं पता चलता, और वो कंसोल नहीं मिल पा रहे उनको। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेटिंग इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है कि वो पहुँच गई है 1.7 स्टार। तो यहाँ पे कस्टमर के रिव्यू दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं प्लेस्टेशन 5 कंसोल को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे प्लेस्टेशन का ये इशू इसलिए आ रहा है, वो रीस्टॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक की कंपोनेंट है कंसोल का, एक हार्डवेयर है जो कि बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो सोनी को यहाँ पे कट ऑफ करना पड़ा 4 मिलियन स्टॉक्स को, और उन्हें 4 मिलियन स्टॉक लेस कर दिए लॉन्च से पहले जो उनको प्रोड्यूस करने थे। तो यहाँ पे वो की कंपोनेंट की वजह से स्टॉक प्रोड्यूस करने में टाइम लग रहा है और इसलिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कंसोल। तो आज की वीडियो तो यहाँ पे ये रीज़न था कि प्लेस्टेशन कंसोल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, और इसीलिए स्टार्टिंग के प्लान में उनके 4 मिलियन यूनिट के ड्रॉप आया था, उसके बाद भी ड्रॉप्स आ ही रहे हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ी रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको प्लेस्टेशन 5 की रीस्टॉकिंग से अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ अगली ऐसी वीडियो में। टिल देन सोच बदलो देश अपने आप बदल जाएगा। बाय।